बिहार विधानसभा मॉनसून सत्र के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चुटकी लेते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री ने उनसे उनकी पगड़ी के बारे में पूछा कि आप पगड़ी क्यों बांधे हुए हैं। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि जब तक आप मुख्यमंत्री पद से नहीं हट जाते तब तक ये पगड़ी हमारे सर पर बंधी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार जनहित के खिलाफ काम कर रही है। शिक्षक अभ्यर्थियों के खिलाफ नीतीश सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझसे पूछा ये मुरेठा क्यों बांधे, तो मैंने उनको कहा कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटाना है, इसका ये संकल्प है। आपको जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा उसी दिन ये पगड़ी खुलेगा और आपका भी आशीर्वाद चाहिए। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? और आज देखिए जिस तरह विपक्षी लोगों को, विपक्ष के पूरे सदस्यों को डराने और धमकाने का काम बिहार की सरकार कर रही है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई डरने वाला नहीं है, एकदम कंफर्म रहिए नीतीश बाबू, जब तक आपको बिहार के मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाएंगे तब तक ये भारतीय जनता पार्टी एक दिन भी अस्थिर नहीं होने वाली। दोनों सदन लगातार बाधित हो रहा है, जनता के मुद्दे, ये पूरी तरह जनता के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुद्दों के लिए नहीं है, जनता के मुद्दे हैं। कल हजारों शिक्षकों पर लाठियां चली पूरे बिहार में, यही तो मुद्दा था। और इसी मुद्दे पर हम लोगों ने कहा कि आप जो है सरकारी तौर पर गुंडागर्दी करवा रहे हैं, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और जब हिटलर शाही नहीं चला तो नीतीश शाही भी नहीं चलेगा, यही तो हम लोग कह रहे हैं और ये कहते रहेंगे स्पष्ट तौर पर। गुंडागर्दी शब्द को लेकर के देखिए एकदम साफ तौर पर मेरा मानना है कि कोई बात यदि असंसदीय होता है तो तुरंत एग्जम्प्ट किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को डिमोरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, डराने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य डरने वाला नहीं है। नीतीश बाबू, आप जैसे तानाशाह को अब बिहार से मुक्ति दिलाना ही भाजपा का एजेंडा है। कल क्या होगा? कल क्या होगा? क्या सड़क पे लोग दिखाएंगे? पुलिस दिखाई देगी? आप लोगों के पास आदमी ही नहीं है। आरजेडी ने कहा है राजद के पास भ्रष्टाचार है, इसे कहीं दिक्कत नहीं है। राजद और बीजेपी और एनडीए में क्या फर्क है? आप देखिए एनडीए का स्वरूप जब तक था बिहार की सरकार में कोई चार सीटेड आदमी भी मंत्री नहीं होता था, और आज क्या है, पूरा लिस्ट देखिएगा, गुंडों की सरकार है और अब तो चार सीटेड उप मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार को हिम्मत है बोल पाएंगे? हिम्मत है? हिम्मत ही नहीं है नीतीश कुमार जी को एक बार भी राजद को बोल सके। राजद वाला दो मिनट में उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दे। गाड़ी में बैठा